क्या मानना चाहते हैं, मेन कारण क्या है जो आप लोगों को इतने दिन हो गए आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, जेपी ने क्या किया, सिंपल बायर्स को लूटा है। और ये जो मैटर था, हमने 2016 में एसएसपी के सामने रखा था, उस टाइम धर्मेंद्र यादव जी थे, उनके सामने समक्ष रखा था और लगभग 500 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, प्रूफ दिया था कि हम लोगों ने जेपी को लगभग इतना पैसा, लगभग 40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक दिया है। और आज जेपी बोल रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, कंस्ट्रक्ट वो जो है हमें फ्लैट नहीं दे सकता। और उसके 6 महीने के बाद कहीं जाकर जब हमने एक प्रदर्शन किया, तब प्रशासन जागा और उन्होंने उस चीज़ पर एक FIR लिखी। और अब लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं, हम उनके पास रोज आते हैं कि भाई हमारी FIR का क्या हुआ, क्या आपने जेपी मैनेजमेंट से उसके बारे में पूछा कि हमारा पैसा कहाँ गया। और प्रशासन बिल्कुल आँख बंद करके बैठा हुआ है और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि जयप्रकाश के मैनेजमेंट है, किसी को बुला के कोई बयान तक दर्ज नहीं कराए हैं। ये इस तरह की 3 FIR लिखी जा चुकी है, किसी पर एक्शन नहीं हुआ। हमारी FIR में जिसका नंबर 80 है, उसमें लगभग 1000 से ऊपर लोगों ने यही इसी ऑफिस में आके अपने प्रूफ दिए हैं, जिसमें पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स डिटेल दिया है। अब हमारी जो आज की डिमांड है कि मुझे लगता है कि प्रशासन तभी जागता है जब जनता सड़क पे आती है। और हम आज पढ़े लिखे काम छोड़ के आज यहाँ आए हैं उन्हें जगाने के लिए। और हमारी सिर्फ एक डिमांड ये है कि उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि प्रशासन और जेपी, इसे लगता है कि 4 महीने के डेले से लगता है, दोनों आपस में मिलके कोई मिली भगत कर रहे हैं और बायर्स का बेवकूफ बना रहे हैं। वर्तमान सरकार के सांसदों की राय भी आप उसके बाद क्या उनके द्वारा क्या हुआ? नहीं नहीं, आप ये देखिए, ये मैटर जो है मुख्यमंत्री, यहाँ के 3 जो समिति बनी थी, मिनिस्टर जो आए थे और यहाँ के विधायक और यहाँ के MP, सबको ये मैटर बताया कि हमने FIR लिखा दिए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब वो सब लोग जान पूछ कर कोई एक्शन नहीं ले रहे, यानी कि या तो ऊपर से मे भी सरकार का कोई दबाव हो सकता है प्रशासन के, या प्रशासन के अधिकारी कुछ काम नहीं करना चाहते। अगर वो नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट उन पर एक्शन ले, उन्हें सस्पेंड करे, कुछ करे। आप लोग क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की मिली भगत से? बिल्कुल मिली भगत है, ये प्रूफ होता है। 4 महीने से FIR हो गई, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्डर बैंक और नेताओं की मिली भगत का नतीजा है। व्यक्ति बता सकता है, मिले हुए हैं सब। मोदी जी को कहिए अच्छे दिन कहां गए, 2 साल रह गए। हम मोदी जी से ही पूछना चाहते हैं कि वो अच्छे दिन कब आएंगे।